क्यों होती है? हम ध्यान कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक मिरेकुलस एनर्जी हमारे पास आ रही है, तो घबराहट की क्या बात है? क्यों लोग घबरा जाते हैं कई बार? और घबराकर मैंने ये भी सुना और देखा, और मेरे पास ये प्रश्न भी बहुत बार आए कि इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि बस लगता है मतलब आँख खोल के भाग जाओ इस रूम में से। जहाँ पर भी हम मेडिटेट कर रहे हैं, चाहे वो पिरामिड में है या अपने रूम में है, ऑफिस में है, जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ से भाग जाएं, ऐसा क्यों होता है? यस विभा जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रही हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दोस्तों, विभा जी, जैसा कि हम हमेशा अपनी बाहर की दुनिया में जड़ित रहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कितने बार हुआ है कि हम अपने अंदर की दुनिया में कभी जाके कि अंदर क्या चल रहा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, क्या हम कंफर्टेबल हैं, क्या हमको किसी का डर है, क्या हमको किसी का भय है, क्या हमारे अंदर कोई इमोशंस छिपे हुए हैं। हम अपने अंदर की दुनिया की तरफ कभी झांकते ही नहीं, बाहर की दुनिया में हम अपने आप को इतना ज़्यादा जड़ित रखते हैं कि ना तो हमें कोई बताने वाला होता है अपने अंदर की दुनिया के बारे में, ना ही हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश करो, दूसरों के लिए कुछ करो। जब हम ध्यान में आते हैं और पहली बार अपने अंदर की दुनिया में हम झांकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो क्योंकि हमको उसकी आदत नहीं होती, हम घबरा जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ आप पहली बार विदेश जा रही हैं, आपके साथ कोई नहीं जा रहा है, आप जब एयरप्लेन में बैठेंगी, आप बैठ के सपोज़ पहली बार आप प्लेन में बैठी हैं, आपको एक घबराहट सी लगेगी। जब आप उतरेंगे उस देश में, आप किसी को नहीं जानते हैं, वहाँ की भाषा को नहीं जानते हैं, पहली बार आप उतरे वहाँ से, कोई नहीं है आपके साथ, तो आपको कैसा अनुभव होगा? आपको एक घबराहट लगेगी ना कि मैं किसी की भाषा नहीं जानती हूँ यहाँ पर, मुझे कौन समझेगा, ये कहाँ आ गई, कैसे क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे लोगों से मिलेंगे, जहाँ आपको जाना था वहाँ पहुँचेंगे, धीरे धीरे भाषा सीखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो कंफर्टेबल लगने लगेगा और फिर उस देश में आराम से आप मझ जाएंगे। ठीक उसी तरह जब हम पहली बार ध्यान में आते हैं तो वो एक ऐसा देश होता है, एक ऐसा प्रदेश होता है जो हमारे लिए नया होता है, हमको उसकी आदत नहीं होती। तो जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं अपने अंदर की दुनिया में, तो हमको उसकी भाषा समझ में नहीं आती, हमको वहाँ से कोई परिचित नहीं नज़र आता, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है कभी अपने अंदर उतरने की, इसीलिए हमको घबराहट होती है। लेकिन जब बार 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 अंदर जाएंगे, अंदर अपने उतरेंगे, तो धीरे धीरे उसकी भाषा भी समझने आने लग जाएगी, धीरे धीरे वो माहौल भी समझने आने लग जाएगा, और धीरे धीरे फिर हम उसमें बहुत अच्छे से मंझ जाएंगे और हमारा ध्यान अच्छा लगने लगेगा।